अभी शीघ्र ही मेघासुर तक पहुंचना होगा। यदि उसने दिव्य पंख प्राप्त कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे आपको तो अभी हम नागों के लिए यज्ञ करना है, खग विद्या सिद्ध करनी है। जीवित रहना चाहते हो ना, तो हम नागों का आचार्य बनना होगा। बालक लो ये पंख लो। मुझे क्षमा करे आचार्य जी, मुझे मेरे पिता पंचफन को बचाना है। ये पंख इसे मत देना पुत्र, ये मत देना। ले जाओ इस आचार्य को यज्ञ स्थल पर और प्रतीक्षा करो मेरी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। लाओ बालक ये दिव्य पंख मुझे दे दो। आप मेरे पिताश्री को मुक्त तो कर देंगे ना? मिस्टर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। अब मेरे पास भी उड़ने की शक्ति होगी। अब लंकेश, रावण और वाली प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि योजना के अनुसार मैंने गरुड़ों का दिव्य पंख प्राप्त कर लिया है। अब इस दिव्य पंख से केवल युवराज वाली ही नहीं, अभी तो समस्त असुर भी उड़ पाएंगे। विस्तर विकराल उड़ेगा आसमान की ऊंचाई तक। विस्तर विकराल हूं मैं। अब मेरे पिताश्री को मुक्त कर दीजिए ना। कहाँ है वो, मुझे मिलना है उनसे। अपने पिता से मिलना चाहते हो? वो रहे। भूषण, दादी, 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 आप यहाँ कैसे? पुत्र, जिस दिन तुम गरुड़ राज्य के लिए निकले थे, उसी दिन इसने मेरा भी अपहरण कर लिया था। ये गरुड़ों का दिव्य पंख मेघासुर के पास कैसे? पुत्र भूषण, ये तुमने क्या किया? ये दिव्य पंख लाकर इस भूत को दे दिया। पुत्र, मुझे मुक्त कराने के लिए तुमने गरुड़ों के सर्वनाश का मार्ग खोल दिया। मुझे क्षमा कर दे पिताश्री, मैंने आपके। तो तुमने ये दिव्य पंख प्राप्त कैसे किया? मैं हनुमान के साथ गरुड़ राज्य गया था।
जहां जटायु जी से हमें ज्ञात हुआ कि उन्होंने आपका अपहरण नहीं किया। हनुमान सारी परिस्थितियों को समझकर सब कुछ ठीक कर पाते। इसी मध्य गरुड़ राज्य के सेनापति चित्रकेतु जी, जो पहले से ही मेघासुर से मिले हुए थे, उन्होंने मेरा अपहरण कर मेघासुर को मुझे सौंप दिया और मेघासुर ने आपको मुक्त कर देने के प्रतिफल के रूप में मुझे गरुड़ों का दिव्य पंख चुराने के लिए विवश कर दिया और मुझसे ये अपराध हो गया। ये तुमने उचित नहीं किया पुत्र। हनुमान ने तुम्हें अपना मित्र बनाया और तुमने उसके साथ छल किया, कपट किया उसके साथ। हाँ पंचपन, ये मेरा प्रतिशोध है। तुमने मुझे बंदी बनाया था, आज तुम्हारी माँ और तुम मेरे बंदी हो, मेरे बंदी मेघासुर के। और तुम्हारा पुत्र, उसके साथ क्या होगा ये तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। विष्णु विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। मेघासुर को दिव्य पंख देकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। आशा करता हूँ हनुमान कि तुम समय रहते लौट आओगे। आपको अभी भी उस छल करने वाले हनुमान से आशा है? ये मेघासुर भी मुझसे छल कर रहा है। उसने मुझे सहायता का वचन दिया था, किंतु अब तक कोई नहीं आया। अब ये जंगली स्वान भी आ गए। सावधान! पीड़ा के कारण हाथ भी नहीं उठ पा रहे हैं, मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं। ये सियार आ गए हैं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हम लोगों को। चल, चल। बलि देती, ये तो हमें यहाँ बलि देने लाए हैं। छोड़ दो हमें। हनुमान के साथ छल करने का उचित दंड मिल रहा है मुझे। मुझे कुछ भी हो जाए, किंतु मेरे पिताश्री और दादी माँ दोनों जीवित रहने चाहिए। हनुमान, मैं तुमसे सहायता मांगने का पात्र नहीं हूँ, किंतु अगर हो सके तो मेरे पिताश्री और दादी माँ दोनों को बचा लेना। ऐसा मत कहो पुत्र। चुप! चलो बालक, सबसे पहले तुम्हारा वध होगा। काले मेघ घिर रहे हैं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसा मत करो, पहले मुझे मार दो। मैं अपने सामने अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकता। नहीं, मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो, इन दोनों से पहले मुझे मार दो। ले आओ उसे। ए, चलो, चलो, चलो इसे। नहीं।
शिला पर शीश टिका बालक। छोड़ दो मेरे पात्र को, छोड़ दो। भूषण मेरे पात्र, भूषण पात्र। मुझे क्षमा कर देना हनुमान। मैंने मेघासुर को पंख देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। प्रार्थना करनी है। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मुझे भी मृत्यु से पूर्व भगवान से प्रार्थना करनी है। ठीक है, शीश झुका के ही प्रार्थना करो और शीघ्र, अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास। अति शीघ्र करो। छोड़ दो मेरे पात्र को। बहुत हो गई प्रार्थना, अब मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। कोटि कोटि धन्यवाद हनुमान। प्रभु आपका धन्यवाद। इस वानर का अंत कर दो नागवीरो। सखा
हनुमान, जटायु जी ने मेरा अपहरण नहीं किया। अभी तो मायावी काल ने भी आया था, उसी ने गरुड़ों और नागों के बीच शत्रुता का पुनः बीजारोपण कर दिया। कोई कितना भी प्रयास कर ले पंचपन जी, सत्य का प्रकाश असत्य के अंधकार को भेद कर सत्य प्रकाशित हो ही उठता है। मुझे पहले ही विश्वास था कि महाराज जटायु ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ हनुमान, शत्रुओं ने गरुड़ों और नागों के बीच व्याप्त अविश्वास का लाभ उठाकर आम नागों और गरुड़ों को भड़काकर ये सब किया है। भूषण, हनुमान, मैं मित्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। मैंने मेरे पिताश्री की मुक्ति के लिए तुम्हारे साथ छल किया, मुझे दंड मिलना चाहिए। मैंने मेरे पिताश्री की मुक्ति के लिए तुम्हारे साथ छल किया, मुझे दंड मिलना चाहिए। मित्र भूषण, विवशता से और अपनों के मोह में किए गए कार्य के लिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी द्वेष भावना नहीं है, आज भी तुम मेरे मित्र हो। जो न मित्र दुख होई दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जे न सुनही आरत के बानी, ते नहीं बिलोकत मंगल हानि। जिनके मन दाया नहीं व्यापे, तिनके तरस ताप त्रय कांपे। मंगलकारी मारुति महिमा, रखते सदा दया और करुणा। बाबली हनुमत की रुचि कर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। कभी कभी लोग अपनी भूल को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इससे वो छोटे हो जाएंगे। अपनी भूल को स्वीकार कर लेने से कोई छोटा नहीं होता। भूल को स्वीकार करना दुर्बलता का नहीं अपितु साहस का परिचायक है। जो विनम्रता से अपनी भूल को स्वीकार करके सत्य के पथ को चुनता है वही बड़ा होता है, वही महान होता। हनुमान, ये षड्यंत्र मेघासुर, कालनेमी और चित्रकेतु का था। सेनापति चित्रकेतु ने अपनी गरुड़ जाति के साथ छल किया है और उन्होंने ही तुम्हें इस षड्यंत्र का दोषी ठहराने का प्रयत्न किया था। हाँ मित्र, मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था चित्रकेतु जी के षड्यंत्र के बारे में। किंतु मित्र, हमें मेघासुर को पहले रोकना होगा, समय भी बहुत अल्प है हमारे पास। कहाँ है मेघासुर? मैं बताता हूँ मेघासुर कहाँ है।
सकते। सैनिक, मत भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। मैं तुम्हारा राजा पंचफन हूँ। हटो, भीतर जाने दो हमें। हमारे एक ही राजा हैं, मेघासुर, और कोई नहीं। अपनी भलाई चाहते हो तो लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। के साथ ऐसा विचित्र व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अवश्य राजा पंचभन को नागलोक के भीतर क्यों नहीं जाने दे रहे? बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नागराज पंचभन जी तो आपके महाराज हैं, आप उनको ही नहीं पहचानते। हमारे राजा तो मेघासुर हैं, हम किसी अन्य को नहीं जानते। चले जाओ यहाँ से। ये सब इतने उग्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? चले जाओ यहाँ से, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। चले जाओ। भुनक्तु सवीर्यं करवावहे। पढ़ो आगे के मंत्र। करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 आवहे। शीघ्र ही मैं गरुड़ों का दिव्य पंख प्राप्त कर उड़ने के योग्य हो जाऊंगा। हम इनसे अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, इतने अशक्त हो चुके हैं हम। ये सब उस हनुमान के छल के कारण हुआ है। हनुमान भैया ने कहा था कि हमें अंतिम सांस तक अपनी आशा नहीं त्यागनी चाहिए। हम उड़ नहीं सकते तो क्या, हम लड़ तो सकते हैं। हनुमान भैया अवश्य आएंगे हमारी सहायता करने के लिए। तब तक हमें स्वयं को बचाए रखने के लिए इन सियारों का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। कब तक करेंगे हम सामना? अशक्त हो चुके हैं हम। शीघ्र ही ये सियार हमारा आखेट कर लेंगे। प्राण बचाना तो भागो यहाँ से। नहीं आखेट करेंगे ये सियार, ये सियार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा राजा होने के नाते तुम सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है।
मैदान तक। इन सबको गुफा के भीतर लेकर जाओ। इन सियारों को मैं संभालता हूँ। नहीं महाराज, मैं इनका सामना करूंगा। भीतर लेकर अभी। जी महाराज। सब गुफा के भीतर ही रहना, मैं किसी सियार को भीतर नहीं जाने दूंगा। हनुमान, मेघासुर ने अपनी माया से इन सबके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लिया है। ये सब उसके वश में है। अब यहां मेरी कोई नहीं सुनेगा। जब तक इनका सम्मोहन टूटेगा नहीं, तब तक ना तो ये मेघासुर के बारे में कुछ बताएंगे, ना ही हमें अंदर जाने देंगे। मेरा संचित समस्त ज्ञान, जिसमें त्रिदेवों का महाज्ञान भी समाहित, वो मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं पुत्र हनुमान। गुरुदेव सूर्यदेव ने मुझे सम्मोहन तोड़ने की विद्या दी थी। उस विद्या से मैं इन सबका सम्मोहन तोड़ दूंगा। हे गुरुदेव सूर्यदेव, आपके द्वारा दी गई सम्मोहन तोड़ने की सीख की आज मुझे आवश्यकता पड़ गई है। आप मेरी सहायता करें। ओम सूर्याय नमः। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गुरु से पाया था जो ज्ञान, ध्यान करे उसका हनुमान। मंत्र को अपना मित्र बनावे, उसके सब संकट कट जावे। जहाँ ना मित्र ना और सहाय, वहाँ धैर्य बस महा उपाय। जय हो जग के संकट हारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी। तुम में से कोई भी भीतर नहीं जा पाएगा। हट जाओ, कोई अंदर नहीं जाएगा। किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान भैया अवश्य आएंगे पंख लेकर, तब तक हमें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। कोई नहीं आएगा। ये जटायु जी भी महाराज होने के योग्य नहीं है। उस नाग बालक को यदि उस दिन यहाँ दिव्य पंख देखने की अनुमति नहीं दी जाती तो छल नहीं होता। तुम्हारा मित्र भी हमारे साथ चल सकता है। और उस मेघासुर ने मेरे साथ छल किया, मैंने भी तो अपनी ही गरुण जाति के साथ छल किया है। कहीं ये उसी छल का दंड तो नहीं है। वो देखो, हमारी गरुड़ प्रतिमा, उसकी आवाज समाप्त हो रही है। ये तो अनर्थ होने जा रहा है। नहीं, गरुड़ प्रतिमा की आभा क्षीण होने का अर्थ है कि किसी ने उस दिव्य पंख को जागृत करने के लिए यज्ञ आरंभ किया है, जिससे कि उसे
उड़ने की शक्ति प्राप्त हो सके। शीघ्र यदि इसे हनुमान भैया ने नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा। उस मेघासुर ने उड़ने की शक्ति प्राप्त कर ली है। अब हम सब पर भारी संकट आने वाला है। प्रणाम महाराज। लगता है हमें कुछ हो गया था, किंतु समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ था। मेघासुर ने अपनी माया से सभी नागों को सम्मोहित कर लिया है। ये सुमेरु के महाराज केसरी के पुत्र हनुमान है। इन्होंने ही तुम्हें सम्मोहन से मुक्त कराया है। प्रणाम हनुमान, हम आपके आभारी हैं। संकट मोचन हनुमान की जय। महाराज पंचभन की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। दिव्य पंख की शक्ति अब मुझे प्राप्त हो चुकी है। अब मैं उड़ सकता हूँ, आकाश में विचरण कर सकता हूँ। चितांतक, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
महाराज मेघासुर, हम आपके विश्वसनीय सैनिक हैं। आपने कहा था कि हमें भी उड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। मुझे मुक्त कर दीजिए नागराज मेघासुर। अवश्य कर देंगे मुक्त। आपने हमें इतना शक्तिशाली जो बना दिया है, आपको तो हम पुरस्कार भी देंगे। और पुरस्कार में हम आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु देंगे, अपना विष। आप करोड़ों का सर्वनाश होगा और गरुड़ों के आचार्य जी, सबसे पहले आहुति आपकी। सत्य है, बुराई का साथ देने वालों का बुरा ही होता है। गरुड़राज जटायु, मुझे क्षमा कर देना। क्या है पुरोहित जी के आसपास? ये तो नागव्यूह है। आचार्य जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हनुमान रुक जाओ, दुष्ट मेघासुर ने पुरोहित जी के चारों ओर नागव्यूह बना रखा है। तो जागृत होने वाला हनुमान, रुक जाओ, उस घेरे के भीतर मत जाओ। हनुमान, हनुमान! आचार्य जी, आचार्य जी, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आचार्य जी, अपने नेत्र खोलिए। जग रहो हनुमान। आचार्य जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आचार्य जी, अपने नेत्र खोलिए। पंचपन जी, प्रतीत होता है इन पर मेघासुर ने विष का प्रयोग किया है। रोहित जी, कुछ बताना चाह रहे हैं हनुमान? हाँ हाँ, कहिए आचार्य जी, क्या कोई विशेष बात है? वो खग विद्या। हाँ हाँ, खग विद्या। मंत्र पट्टिका भीतर। मंत्र पट्टिका भीतर छूट गई है? एक क्षण,
मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा आचार्य जी, अपने नेत्र खोलिए। जरूर अपने उड़ने की शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए आप पे आश्रित है पुरोहित जी। इस मंत्र से अवश्य ही विष का प्रभाव कम हो सकेगा पुरोहित जी। कृपया अपनी आंखें खुली रखिए। ये मेरा एक प्रयास है, हो सकता है इससे पुरोहित जी पर बड़े विष का प्रभाव कम हो जाए। पटिका को प्राप्त करना आवश्यक है पंचपन जी। हनुमान, नागव्यूह जागृत हो चुका है, अब तुम वहां जाओगे तो संकट में पड़ जाओगे। हनुमान मत जाओ, रुक जाओ, हनुमान वहां मत जाओ। एक और बड़ा संकट आने वाला है। अब हमारे अंडे ऊपर रखे हैं, हम उड़ नहीं सकते। हमारी स्त्रियां कब तक इनकी रक्षा करेंगी? सुनो, अंडों को नीचे फेंक दो, हम उन्हें पकड़ लेंगे और उन्हें उचित स्थान पर लेकर जाएंगे। अंडों को इनके स्थान से हटाना उचित नहीं है, इन्हें यही रहने दीजिए। देवी, हम भी उन्हें अपने स्थान से नहीं हटाना चाहते हैं, किंतु बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर इन्हें अपने सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं महाराज, हम अंडे नहीं हटाएंगे इनके स्थान से। कहाँ है वो मंत्र पटिका? सूर्योदय से पूर्व ही मुझे दिव्य पंख भी ढूंढना ही होगा, अन्यथा गरुड़ उड़ नहीं पाएंगे। कहाँ है मंत्र पटिका? ये ध्वनि कैसी है? हनुमान, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम नहीं माने। अब तुम उस नागव्यूह में घिर चुके हो हनुमान। नागव्यूह? संभालो हनुमान अपने आप को। महावीर बजरंग स्वस्ति कर, तत्पर सदा जगत के हित पर, निज हित बोध शून्य हनुमान, एक विश्व मंगल पर ध्यान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेघासुर की नागव्यूह की ये विषैली धुन संकट का संकेत है, परंतु खग विद्या की मंत्र पट्टिका कहाँ है? उसे प्राप्त करना आवश्यक है, उसके बिना गरुड़ों की उड़ने की शक्ति नहीं लौट पाएगी। मित्र हनुमान, नागव्यूह प्रबल हो रहा है, शीघ्र बाहर आइए।
मैं आपकी सहायता करने आ रहा हूँ। नहीं पुत्र भूषण, दुष्ट मेघासुर के मायावी नागव्यूह में उसके नागों के अतिरिक्त अन्य किसी का भीतर जाना भी संभव नहीं है पुत्र। और यदि तुमने भी प्रयत्न किया तो ये तुम्हें भी आहत कर देगा। नाग क्रूर विष करे प्रहारा, अग्नि करल वे ध्वंस अपारा। नीत अनीति क्रूरता जाने, धर्म पुण्य को क्या पहचाने। जहाँ जीत बस एक प्रमाण, वहाँ न्याय चिंतित हनुमान। करुणों के एक तारण हारा, अचल अडिग के शरी कुमार। ईश्वर की कृपा है पुत्र, कि तुम सकुशल हो। अन्यथा इस नाथियों के मात्र स्पर्श से तुम्हारा घोर अनिष्ट हो सकता था पुत्र। दादी माँ, पिताश्री, ये विषाक्त नागव्यूह तो भयंकर रूप ले रहा है। हनुमान इससे बाहर कैसे आएंगे? हे शिव शंकर, हे महादेव, बालक हनुमान के प्राण संकट में आप तो सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, सहायता करिए प्रभु। ये क्या हो रहा है मुझे? पिताश्री, क्या हनुमान भी इस नागव्यूह को खंडित कर अपना बचाव नहीं कर सकते? पुत्र, अत्यंत विषैला है मेघासुर द्वारा रचित नागव्यूह, जिसकी अंतिम परिणति है नागपिंजर, जिसमें हनुमान फंसता जा रहा है। अब हनुमान का इसे स्वयं तोड़ पाना असंभव है पुत्र। अपना बंदी बनाता जा रहा है, इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। पिताश्री, इस नागपिंजर ने तो हनुमान को बंधक बना लिया है। नहीं चाहिए मुझ महान दम वाली को, प्रमाण चाहिए। कालनेमी ने मुझे समाचार दिया था कि वह हनुमान मरकट मेघासुर के नागव्यूह में बंदी बन चुका है, और मेघासुर ने गरुड़ों के दिव्य पंख को प्राप्त कर लिया है, तो वो उस दिव्य पंख को लेकर मुझे सौंपने क्यों नहीं आया?
प्रणाम महाराज बाले, महानतम बाले। लंकेश दशानन रावण का यहाँ उपस्थित होना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे सारे छल सफल हो रहे हैं। योजना के अनुसार मेघासुर उस वानर बालक को हमारे मार्ग से हटाकर जटायु को हमारा आदेश सुनाने जा रहा है। प्रतीत होता है एक अग्निपुंज तीव्र गति से आकाश को भेदता हुआ गरुड़ राज्य की तरफ आ रहा है। यह अवश्य किसी नए संकट का संकेत है जिसके प्रकाश के कारण मैं उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा हूं। आप लोग शीघ्र ही किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए। महाराज, ये आपके हनुमान के ऊपर अटूट विश्वास का दुष्परिणाम है कि हमारे गरुड़ राज्य पर एक के बाद एक गंभीर विपदाओं ने धावा बोल दिया है। सेनापति चित्रकेतु जी, इस विपदा की घड़ी में आप कुछ सुझाव दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा शांत रहिए। शैले धुएं के कारण मित्र हनुमान के नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न हो गई है। उन्हें श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। उनकी रक्षा का कोई तो उपाय होगा। ये विषैला मायावी धुआं, इन नागों के भंकार की ध्वनि, दोनों मिलकर मेरे मस्तिष्क को महारानी शैनी जी, यदि ये किसी शत्रु का आक्रमण हुआ तो हमारे अंडों का क्या होगा? हमारे अंडों की सुरक्षा कौन करेगा? महाराज स्वयं गरुड़ राज्य की सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। हम उन पर एक और समस्या का बोझ नहीं डाल सकते। खगिका, अपने अंडों की सुरक्षा हमें स्वयं अपनी गरुड़ी विद्या से करनी होगी। जी महारानी जी, जैसी आपकी आज्ञा। तस्य वभ्रपोदकस्य च सात्रासाहस्याहम्। ईश्वर, इनकी रक्षा कीजिए। मन्योस्त्राचार्मिव धन्वनो विमुञ्चाति रथो इव। महारानी
पिताश्री, नागव्यूह का ये विष तो हनुमान को और प्रभावित कर रहा है। मेघासुर द्वारा रचित इस नागव्यूह को खंडित करना अत्यंत जटिल कार्य है। अब तो मुझे भी यही चिंता सता रही है, हनुमान के प्राणों की रक्षा अत्यंत कठिन है। कुछ कीजिए पिताश्री, कुछ कीजिए। हनुमान को विष्ट पूर्ण रूप से ग्रसित कर लिया है। हमें उसे जागृत रखना होगा। यदि उसने अपनी चेतना खो दी तो उसके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा। मित्र हनुमान संभालो। हनुमान सजग रहो। भयंकर ध्वनि के इस कोलाहल में कौन मुझे पुकार रहा है? हनुमान! 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 पुत्र हनुमान, अपने आप को हनुमान, 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 बंदी हूँ। इस विष ने मेरे मस्तिष्क पर वश कर लिया था। यदि मैं अति शीघ्र यहाँ से मुक्त नहीं हुआ तो ये विष मुझे पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। मुझे यथासंभव प्रयास कर यहाँ से निकलना ही होगा। संपर्क में मत आना। तुम्हारे शरीर का जो विभाग इनके संपर्क में आएगा वो निष्क्रिय हो जाएगा। हनुमान
पिताश्री, मित्र हनुमान के हाथ और पैर दोनों अनुपयोगी कर दिए इन नागों ने। हनुमान को इस विशाल नाग से बचना होगा। यदि इसने हनुमान के मुख पर वार कर दिया तो हनुमान जड़ होकर सदा के लिए इस पिंजरे में बंदी हो जाएगी। अब मैं तुम्हें वो मंत्र दूंगा हनुमान, जिससे तुम किसी भी नागव्यूह को भेदने में सक्षम हो जाओ। प्रतंके वटरुषोणाम सर्वासाम रमम विषम। प्रतंके वटरुषोणाम सर्वासाम रमम विषम। ताबुवम न ताबुवम वेत्वमसि ताबुवम। ताबुवम न ताबुवम वेत्वमसि ताबुवम। ताबुवम नारसं विषम। ताबुवम नारसं विषम। मित्र हनुमान कुछ बोल रहे हैं। हनुमान तो सूर्य मंत्र का जाप कर रहा है। ये मंत्र तो नाग युक्त होने का एकमात्र उपाय है। आश्चर्य, हनुमान को इस मंत्र का ज्ञान है। संकट मोचन हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आचार्य जी, ये मंत्र पट्टिका अब आपके पास ही सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद हनुमान, तुमने गरुड़ जाति का सर्वनाश होने से बचा लिया।
शत्रु मेरे द्वारा उत्पन्न की गई सीमा भित्ति पर अग्नि से प्रहार कर रहा है। संकट समीप है, सब लोग तुरंत सुरक्षित गुफा के अंदर जाएं, कोई भी बाहर ना रहे। जी महाराज। मित्रभूषण, हनुमान मुझे क्षमा कर देना, मैं आपका अपराधी हूँ। मेरे ही कारण आपको इतने सारे संकटों से संघर्ष करना पड़ा। जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है वो शीघ्र ही आपके समक्ष होगा और वो दिव्य पंख भी अपने स्थान पर स्थित होगा। मित्रभूषण, तुमने जो कुछ भी किया ये सब विवशता में आकर किया, अन्यथा तुम वो दिव्य पंख मेघासुर को सौंपते ही नहीं। इसीलिए तुम स्वयं को दोषी मत मानो। जिससे वो संकट उत्पन्न हुआ है हनुमान उसे दूर करने का प्रयास करेगा। महाराज पंचपन, करोड़ों के पूज्य मंत्र रक्षक की प्राणों की रक्षा करना हमारा प्रथम धर्म है। परंतु हनुमान, गरुड़ों का देवी पंख तो मेघासुर के पास है। मैं दुष्ट मेघासुर को लेकर आशंकित हूँ, सर्वप्रथम तुम उसे ढूंढकर इस संसार को उसके भय से मुक्त कर। परंतु हम कैसे ज्ञात करें कि वो कहाँ गया है? मित्रभूषण, दिव्य पंख को प्राप्त कर और उन्हें अभिमंत्रित कर, वो अवश्य गरुड़ राज्य में आक्रमण करने गया होगा। मुझे वहीं जाना चाहिए। गुफा का द्वार बंद कर उसे सुरक्षित किया जाए। कहां जाकर छिप गए करुणराज जटायु? एक करुण होकर मूषक की भांति कब से छिपने लगे? हाँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं कायरो। मैं यहाँ तुम लोगों को मिटाने नहीं, अभी तुम मिटने से बचाने आया हूँ। स्मरण रहे, डरोगे तो मरोगे और मुझ मेघासुर से मित्रता का हाथ बढ़ाओगे तो बच जाओगे। किंतु उस पर भी तुम लोगों को मेघासुर की एक बात माननी पड़ेगी और वो ये कि तुम सब गरुड़ों को अपने भावी राजा के सामने झुकना होगा, घुटने टेकने होंगे तुम सबको, शीश झुकाना होगा वाली के समक्ष तुम लोगों को। हाँ, वाली गरुड़ों का भावी राजा, तभी बच पाओगे मेघासुर से तुम सब। ये मेघासुर उड़ने की शक्ति प्राप्त कर हमें नष्ट करने आया है। डरना बंद कीजिए, हमें किसी भी तरह उसका सामना करना है। सुनो जटायु, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करो। महाराज बाली की अधीनता और उन्हें वन संघ के महानायक के रूप में स्वीकार करो। हरी भक्ति त्याग कर दशानंद रावण की शरण में आ जाओ तो मेघासुर क्षमा कर सकता है तुम सबको। महाराज बाली और दशानन रावण, इसका मतलब ये सब बाली ने किया है। अन्यथा मेघासुर संहार करेगा तुम सभी पक्षियों का।
महाराज, उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। महाराज, हरि भक्ति हमारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती तो हमें उसका क्या लाभ? महाराज, वाली और रावण की प्रभुता को स्वीकार कर लीजिए। महाराज, अन्यथा महाराज ये दुष्ट कुछ भी कर सकता है। बाहर हमारे अंडे असुरक्षित पड़े हैं, ये उन्हें भी नष्ट कर सकता है। जन्म लेने से पूर्व ही हमारी भावी पीढ़ी का अंत कर देगा ये दुष्ट मेघासुर। अब और विचार मत कीजिए महाराज, इसका कहना मान लीजिए। क्या सोच रहे हो जटायु? ना जाने हनुमान कब तक आएगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। गुफा का द्वार खोल दिया जाए। अनुमान सही है, मेघासुर ने छल से उड़ने की शक्ति गरुड़ों के विनाश के लिए ही प्राप्त की है। वो अवश्य उन्हें पराजित करने गरुड़ राज्य गया होगा। मुझे गरुड़ों की चिंता सता रही है। वो कुटिल मेघासुर गरुड़ राज पहुंचकर पक्षी कुल और जटायु का विनाश करना प्रारंभ कर चुका होगा। महाराज पंचपन, जिनके हृदय में कपट हो उनके पास जो शक्तियां हैं वो विनाशकारी ही होती हैं। मेघासुर जीवन के उद्धार के लिए नहीं अभी तो उसके विनाश के लिए शक्ति का प्रयोग करेगा। हनुमान को शीघ्र जाकर उसको रोकना होगा। परंतु अब उसको रोकना इतना सरल नहीं है। हाँ मित्र हनुमान, अब उसके पास केवल विषैली ज्वाला न होकर उड़ने की शक्ति भी प्राप्त हो गई है। अब वो सर्वशक्तिशाली हो गया है। इतने शीघ्र पराजय मानकर बाहर आ जाओगे जटायु? मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। मेघासुर, महाराज जटायु ने निर्णय ले लिया है, उन्हें तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार है। मुझे ये घृणित प्रस्ताव। मेघासुर, अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहां से लौट जाओ, वरना परिणाम गंभीर होंगे। वैसे भी तुम्हारे पास सेना नहीं है, तुम युद्ध कैसे करोगे? सेना नहीं है महाराज जटायु, परंतु मेरे पास उड़ने की शक्ति है। मैं और मेरे कुछ विश्वसनीय सैनिक तुम्हारे दिव्य पंख की सहायता से आसमान में उड़ सकते हैं। वो बहुत शीघ्र ही यहां पहुंचने वाले हैं। अब हम किसी भी सेना से अधिक बलशाली हैं। विष्धर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। Ha 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 ha
कितना आनंद आ रहा है मुझे आकाश में उड़ने में। अब तुम करुण कभी नहीं उड़ पाओगे। देखो मेरे पास है तुम्हारा दिव्य पंख। ये अनर्थ कैसे हो गया? हनुमान कहाँ हो? करोड़ राज्य के वासियों ने मुझ पर विश्वास जताकर उनकी सुरक्षा का दायित्व मुझे सौंपा है। इसीलिए अब मुझे मेरा कर्तव्य निभाना होगा। आप लोग निश्चिंत रहें। बुरा कितना भी बलवान हो, विजय सदैव सत्य की ही होती है। मैं गरुड़ राज्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। अपना ध्यान रखना हनुमान, मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास है। आप आचार्य जी की चिकित्सा के पश्चात शीघ्र वहाँ पहुँचिए। मित्र भूषण, मैं विदा लेता हूँ। प्रणाम मित्र हनुमान। जटायु, हरि भक्ति त्याग दो और महाराज बाली की सत्ता को स्वीकार कर लो, अन्यथा पछताओगे। मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। मेरे कोप की ज्वाला से एक भी पक्षी जीवित नहीं बचेगा। जटायु, असंभव। जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारा यह उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होगा। मूर्ख हो तुम जटायु, लगता है तुम्हें अपने कुल का विनाश देखने की प्रबल इच्छा सता रही है। जटायु, सेनापति चित्रकेतु की ओर क्या देख रहे हो? जटायु, वो तुम्हारी सहायता क्या करेगा जो राजा बनने के लोभ में मेरे आगे अपने घुटने टेक चुका है? क्या? क्या? सेनापति चित्रकेतु नागू का साथ दे रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। ये संकट मेरे विश्वास का नहीं अपितु आपके विश्वासघात का परिणाम है। यदि गरुड़ राज्य में राजद्रोही को बंदी बनाने की परंपरा होती तो तुम्हें अभी के अभी कारागार में डलवा देता। मेघासुर, चित्रकेतु जैसे लोग तुम्हारे आगे घुटने टेक सकते हैं, हरि भक्तों के विरुद्ध जा सकते हैं, परंतु मैं अपने आदर्शों पर अडिग हूँ। तुम्हारा यह प्रस्ताव मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। तब तो तुम्हारे कुल का विनाश अवश्य होगा। और क्यों ना मैं इसका प्रारंभ तुम्हारे बच्चों और अंडों को नष्ट करने से करूं? तुम्हें कष्ट में देखकर मुझे अत्यंत आनंद आएगा। जटायु, मेघासुर,
मेघासुर। बालक, यदि जीवित रहना चाहते हो तो मेरे चरणों में अपने शीश को रख दो। नहीं चितान तक, इस असुर के सामने तुम अपने कुल की मर्यादा नहीं रख सकते। आओ बालक। जितान तक, कुल की मर्यादा को इस दुष्ट पापी के चरणों में नहीं रख सकते तुम। जितान तक नहीं, पुत्र नहीं, जितान तक। पुत्र नहीं, जितान तक। दुष्ट बालक, सब भागो, बैठो की रक्षा शीघ्र करो। बालक रुक जाओ, तुम सब गरुड़ों का वध करूंगा मैं। मुझे शीघ्र अपनी गति बढ़ानी होगी ताकि शीघ्र पहुंचकर मैं गरुड़ राज्य को मेघासुर से बचा सकूं। इसके साथ ही सूर्योदय से पूर्व मुझे मेघासुर से गरुड़ों का वो दिव्य पंख प्राप्त करना ही होगा। मेरी विषाग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। आ गए मेरे सैनिकों, जाओ और करोड़ों के अंडों को लेकर आ जाओ। रक्षा कीजिए महाराज, हमारे अंडों की रक्षा कीजिए। हाँ महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारे बच्चों की, हमारे अंडों की रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। बिस्तर विकराल हूँ मैं, अब इन अंडों को मुझे नष्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। मेघासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुम जटायु, प्रयत्न करके देख लो।